चिल्वाताल थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रविवार की भोर में चिल्वाताल क्षेत्र के एक गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि चिल्वाताल थाना क्षेत्र के अमुआ गांव के दौलतपुर टोले में रहने वाली 35 वर्षीय तेतरी देवी को उसके पति रविंद्र ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। आपको बता दें कि मृतका का पति रविवार की रात शराब के नशे में घर आया था, जिसके बाद से ही पत्नी से विवाद कर रहा था। भोर में 4 बजे के करीब विवाद इस कदर बढ़ गया कि पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर के दाहिनी तरफ प्रहार कर दिया, जिसके बाद महिला जमीन पर गिर गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को घर लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी, जिसके बाद गांव के ही एक लड़की ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मृतका गांव के चौराहे पर अपने बच्चों के साथ किराने की दुकान चलाती थी और पति इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। मृतका की 4 बेटी व 1 बेटा है। आरोपी पति के 2 भाई हैं, जो घर के बगल के मकान में रहते हैं। मां की मौत के बाद बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, उसकी हत्या उसी के पति द्वारा जो है कुल्हाड़ी से मार के की गई है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब हत्या करने का जो है विस्तृत जो है कारण विवेचना से क्लियर होगा। पारिवारिक विवाद में ही पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई है।